चलिए अब सुपर फास्ट अंदाज में खबरों का रुख करते हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर अलर्ट, नया वेरिएंट 60 गुना ज्यादा संक्रामक, यूपी में डेल्टा प्लस को लेकर सरकार अलर्ट। उच्च स्तरीय बैठक के बाद अधिकारियों को दिए निर्देश, डॉक्टर आर के धीमान थैंक कमेटी के अध्यक्ष बने, यूपी में फ्लाइट से आने वाले यात्रियों पर निगरानी होगी। राजधानी में बना टीकाकरण में नया कीर्तिमान, एक दिन में सबसे ज्यादा 24,970 टीकाकरण, क्लस्टर अभियान और मेगा अभियान के चलते रिकॉर्ड। राजधानी में अब तक 12,82,037 टीकाकरण, 18 प्लस को करीब 5 लाख वैक्सीनेट किया गया। लखनऊ के केजीएमयू में ब्लैक फंगस से अब तक 452 केसेस आए, 24 घंटे में ब्लैक फंगस का एक नया मरीज और 24 घंटे में 3 मरीजों की सर्जरी हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन परिषद अयोध्या को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट का मानना है कि अध्यादेश में के एक्ट बन जाने के बाद अध्यादेश को चुनौती देने का कोई औचित्य नहीं है। यूपी में 4 पुलिस उपाधीक्षकों की तबादला, बलराम पुलिस उपाधीक्षक गाजीपुर, राजीव त्रिवेदी पुलिस उपाधीक्षक एटीएस लखनऊ बनाए गए। आतिश कुमार सिंह पुलिस उपाध्यक्ष एटीएस, शंकर प्रसाद पुलिस उपाध्यक्ष सुरक्षा मुख्यालय, पीएस संजय सिंह विशेष सुरक्षा बल मथुरा बनाए गए। लखनऊ में सांसद पर उनकी बेटी के ससुर का बड़ा आरोप, बीजेपी सांसद कौशल किशोर पर लगा किडनैपिंग का आरोप। सांसद कौशल किशोर पर बहू को अगवा करने का आरोप है, परिवार को जान से मारने की धमकी का आरोप है, पीड़ित परिवार ने सीएम से लगाई न्याय की गुहार। बहराइच में जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी घोषित, बीजेपी ने मंजू सिंह को बनाया प्रत्याशी, बीजेपी ने अतुलवीर सिंह की पत्नी पर जताया भरोसा। श्रावस्ती जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी घोषित, बीजेपी ने दगन मिश्रा को प्रत्याशी घोषित किया, मिश्रा के समर्थकों में खुशी की लहर। धर्मांतरण के मामले में यूपी एटीएस के द्वारा पकड़े गए उमर गौतम को लखनऊ से भी कनेक्शन मामला सामने आया है। लखनऊ से संचालित हो रही अल हसन एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन का उमर गौतम वाइस प्रेसिडेंट है। उत्तर प्रदेश सोसाइटी एंड चिट फंड रजिस्टर्ड ये संस्था अब पुलिस की रडार में है, रजिस्टर्ड इस संस्था का 7 सदस्य कमेटी चलाती है। कानपुर में 2 युवकों ने महिला फार्मासिस्ट से की टप्पेबाजी, तंत्र मंत्र करके महिला से उतरवाए जेवर और नकदी, लोगों ने फ्रॉड बाबा को पकड़कर पुलिस को सौंपा। टप्पेबाजों के पास से महिला के जेवर नकदी बरामद, बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा बाईपास चौराहे का मामला। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट के लेपर्ड पर तैनात होमगार्ड के द्वारा सरेराहा चल रहे लोगों और महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने हिरासत में लेकर आरोपी से पूछताछ की तो पता चला कि होमगार्ड का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। हुड़दंग का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। जालौर में ट्रैक्टर ने बुजुर्ग महिला को मारी टक्कर, हादसे में बुजुर्ग महिला ने अस्पताल में जाते वक्त तोड़ा दम, हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार। पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया, कोच कोतवाली क्षेत्र के नदी गांव रोड का मामला। झांसी में बस की चपेट में आकर महिला की मौत, आरोपी चालक बस छोड़कर मौके से फरार। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को बस के पहिए के नीचे से निकाला।
फिरोजाबाद में पुलिस और व्यापारियों में जमकर हुई खींचतान। नाइट कर्फ्यू का पालन कराने को लेकर हुआ हंगामा। बाजार बंद कराने वाले को लेकर व्यापारियों का हंगामा। व्यापारियों ने पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। थाना उत्तर के सुभाष तिराय मार्केट का मामला। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाश ट्रक चालकों को बंधक बनाकर लूटते थे। संभल में प्रेम प्रसंग में हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने मामले में चार आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रेमिका ने प्रेमी को बुलाकर कराई अपने दूसरे प्रेमी से हत्या। बरेली में उगाही करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया फर्जी दारोगा। आरोपी के पास से एक कार बरामद। कार पर लगा था पुलिस का मोनोग्राफ। गाजियाबाद में मंडोला गांव में किसानों ने ट्रॉनिंग सिटी में आवास विकास दफ्तर का घेराव किया। भारी संख्या में यहां पर किसान पहुंचकर धरना भी शुरू कर दिया। किसानों का आरोप है कि वे पिछले कई सालों से मंडोला आवास योजना के तहत ली गई उनकी जमीन के उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। गोंडा में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा जिला महिला अस्पताल। प्रसूता को समय से इलाज नहीं मिलने के चलते नवजात की मौत। डिलीवरी के लिए पैसों के अभाव से नवजात की मौत। महिला अस्पताल कर्मियों में लापरवाही के आरोप लगाए। कानपुर में कल्याणपुर यूनिवर्सिटी में छात्रों ने किया हंगामा। यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर बैठकर किया धरना प्रदर्शन। बीसीए बीबीए एलएलबी के छात्रों ने लगाए नारे। प्रयागराज में मामूली विवाद को लेकर कहासुनी। विवाद में युवक को उतारा मौत के घाट। आगरा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कार पलटने से हादसा हुआ। हादसे में कार सवार चार लोगों की मौत। टायर फटने से यह हादसा हुआ। रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला। तीन लोगों की मौके पर मौत। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुरादाबाद में बच्चे लगाए मौत की छलांग। रामगंगा नदी में नहाने जाते बच्चे। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। पिछले साल तीन लोगों की डूबने से हुई थी मौत। मुजफ्फरनगर में लगातार जारी है चोरों का आतंक। एलएनटी ठेकेदार का करीब 10 लाख का केबल चोरी। केबल के दो बंडल लेकर गायब हुए चोर। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। श्रावस्ती में युवक की लाठी डंडे से पिटाई। पुराने विवाद को लेकर की गई पिटाई। पुलिस ने घायल युवक को भेजा इकोना अस्पताल। मुरादाबाद में पुलिस ने पत्रकारिता की आड़ में मासूमों को लूटने वाले शातिर ठग को गिरफ्तार किया। आरोपी शख्स तैनात अधिकारियों के नाम पर लोगों से मोटी रकम लेता था। रुपए वापस मांगने पर अधिकारियों पर फर्जी मुकदमे लिखवा देता था और जेल भिजवाने की धमकी देता था। फर्जी पत्रकार ने जमीन के सीमांत करने के नाम पर 17 लाख रुपए लिए थे। फिलहाल पुलिस 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। लखनऊ में गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ। विवाद में दोनों पक्ष के 6 लोग घायल। घटना में महिला के सिर पर चोट आई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। गाजियाबाद में बदमाशों ने सिद्धार्थ विहार फ्लाईओवर पर फायरिंग की। फायरिंग में दो युवक गंभीर रूप से घायल है। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। आगरा में ज्वेलर की दुकान में लाखों की लूट। हार पॉलिश के नाम पर लूट की घटना को दिया अंजाम। पीड़ित ने की पुलिस में शिकायत। श्रावस्ती में प्रेम प्रसंग में दो युवकों की पिटाई। ग्रामीणों ने दोनों युवकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। एक युवक मौके से फरार। पुलिस ने दोनों पक्षों में कराई सुलह। बहराइच में रहने वाले थे दोनों पुलिस युवक। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
प्रयागराज में झाड़ फूंक का वीडियो वायरल। लड़की को गंगा में डुबा रहा था शख्स, लड़की के बाल पकड़कर गंगा में। लखनऊ में हरौनी में पटरी से उतरी मालगाड़ी, पटरी से उतरी मालगाड़ी में 6 बोगियां, लाइन की कैची टूटने से हुआ हादसा। मैनपुरी में 10 फीट अजगर दिखने से मचा हड़कंप, मुर्गा फार्म में अजगर निगल रहा था मुर्गे, दहशत में आए ग्रामीण ने अजगर को पिंजरे में किया बंद। श्रावस्ती में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन, 4 आयोजनों में 75 जोड़ों की हुई शादी, जोड़ों को मिला सरकारी योजनाओं का लाभ। सिद्धार्थनगर की धरोहर काला नमक चावल को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट में चुरा गया है, जिसके बाद किसानों ने उत्पादन बढ़ाया। सरकार के प्रयासों से चावल देश विदेश के लोग ऑनलाइन स्टोर फ्लिपकार्ट से खरीद सकेंगे, फ्लिपकार्ट से डील होने के बाद 250 किलो की पहली खेप शीतल पांडे ने भेजी, जिसका शुभारंभ वर्चुअल मोड पर अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने लखनऊ से किया है। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने हरी झंडी दिखाकर वाहन को रवाना किया। महाकुंभ में कोविड जांच के फर्जीवाड़े के मामले में आरोपी मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज को मिले राहत, हाईकोर्ट ने मैक्स कॉर्पोरेट की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि वो जांच में सहयोग को लेकर पूरी तैयार है, 25 जून को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होंगे। चारधाम यात्रा को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को फिर लगाई फटकार, 28 जून को रिवाइज जवाब दाखिल देने के निर्देश। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के सचिव ललित नारायण मिश्र ने आयुर प्लांट अभियान की शुरुआत की है, 25-20 सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों को पौधे बांटे। रामनगर में कॉर्बेट में जिप्सी चालक जीवन यापन करने वाले सैकड़ों जिप्सी चालकों ने कॉर्बेट प्रशासन से कॉर्बेट के कुछ गेट को खोलने की गुहार लगाई। रामनगर में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन, कोरोना कर्फ्यू में भी लोग घूम रहे हैं, कोसी बैराज पर सैकड़ों की तादाद में लोग। प्रशासन ने बाहर घूम रहे लोगों को की टेस्टिंग शुरू कर दी, बेवजह घूम रहे लोगों की औचक टेस्टिंग, 100 से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग की गई। भागों के लिए मशहूर उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पहली बार सफेद मोर देखा गया, सफेद मोर देखने के बाद सीटीआर प्रशासन खासा उत्साहित। रामनगर में चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को मिली सफलता, युवक के पास से 57 नशे के इंजेक्शन बरामद, युवक पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पौड़ी मैं लेस टाउन के छात्र संगठन ने मिशन कम्युनिटी बास्केट पहल से प्रेरित होकर गरीबों की मदद कर रहे हैं, छात्र संगठन ने भी गांव-गांव तक कोरोना के दौर में जरूरी राहत सामग्री को पहुंचाकर गरीब के लिए मददगार बने। काशीपुर में पुलिस ने किया सेक्स रैकेट का खुलासा, एक मकान से 4 महिलाओं को और 2 पुरुषों को पकड़ा, मौके से आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद। रामनगर में पीरूमदारा के पास एक महिला की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रदेश में 2 दिन पहले हुई बारिश ने हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में भारी नुकसान पहुंचाया है, बालावाली क्षेत्र में गंगा के विकराल रूप के ने बाढ़ गंगा का तटबंध तोड़ दिया। हजारों बीघा कृषि भूमि जलमग्न और सिल्ट आने से फसलें बर्बाद हो गई है, खानपुर विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने क्षतिग्रस्त तटबंध का निरीक्षण किया। उत्तरकाशी के सिरोर गांव की महिलाएं बड़ी संख्या में डीएम कार्यालय पहुंची, जहां पर सभी ने होमगार्ड जवान विनय के कातिलों पर ठोस कार्रवाई करने की मांग की।
हरिद्वार कुंभ में हुए आरटीपीसीआर घोटाले को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष करण महारा सरकार पर हमला बोला उन्होंने और करण महारा ने कहा कि मंत्री और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। करण महारा ने कहा कि आईसीएमआर की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया है। घोटाले को लेकर 25 जून को कांग्रेस हरिद्वार में सत्याग्रह कर रही है। तो यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।